शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशा, क्या हुआ? लड़का हुआ कि लड़की? आशा, आशा, आश, आश। Excuse me, Mr. Dalal. Yes. Here's your baby. ये लड़का है ना? हाँ, ये लड़की है। मुबारक हो। लड़की है? ऊपर से मुबारक हो। शर्म नहीं आती है? ले जाओ उसको। क्या? कहाँ ले जाऊँ? जहन्नम में, कचरे के डब्बे में फेंक दो उसको। What nonsense, Mr. Dalal? Don't be so rude. देखो सा। हाय दलाल जूता वाला भाई, मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ लड़की पैदा हुई। क्या खुशी की बात है यार, यहाँ मैं बर्बाद हो रहा हूँ। मेरी बीवी का जो बाप है, मेरा ससुर, पांच जूतों की कंपनी का मालिक है। उसकी ये शर्त है कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा होगा तो वो सारी फैक्ट्रियां जो है मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर कर देगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो सारी जायदाद फकीरों में बांट देगा और मुझे फकीर बना देगा। लेकिन अगर मैं फकीर बना डिकोस्टा, तुम अकेले तो नहीं बनोगा, मेरे साथ तुम भी फकीर बनोगे। क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, अगर फायदे में साथ रहे तो नुकसान में भी साथ में रहना पड़ेगा। मैं दुनिया को बतला दूंगा, कानून को बतला दूंगा कि तुम पहले एक मामूली से कंपाउंडर थे, पैसे देकर नकली सर्टिफिकेट लिए डॉक्टरी के, झूठ मूठ के डॉक्टर बन गए, और तुम्हारी बीवी जूली फौरन तुमसे तलाक ले लेगी। और शट अप यार। अभी शट अप को शट डाउन करने का एक तरीका बताता हूँ, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी और साथ में तेरी नैया भी पार हो जाएगी। मुबारक हो इंस्पेक्टर खन्ना, आपको बेटा हुआ है। मुझे बेटा हुआ है? अरे नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें बेटा हुआ है, हमें बेटा हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर हम कितना इंतजार कर रहे थे दोनों। हाँ, दोनों इंतजार कर रहे थे, मैं और आपका बेटा। ओहो। ये छोटे इंस्पेक्टर साहब, अपने माँ बाप पसंद आया नहीं तुम्हें? अब तो आप जल्दी लौट आएंगे ना घर ड्यूटी से? क्यों? क्योंकि हम दोनों माँ बेटे आपका इंतजार करते होंगे। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब। हेलो माय बेबी। सो रहा है? हेलो, ये लड़का है लड़की? जी लड़का है। किसका है? इंस्पेक्टर कपिल का। जाने वाली औलाद नहीं चाहिए, जहेज लाने वाली औलाद चाहिए। What are you doing, Mr. Dalal? Oh, Miss Rosie, सुना है कि तुम लंदन जाना चाहती हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, वो दूसरी शादी कर लेगा, है ना? तो लंदन जाने आने का टिकट का खर्चा, पैसों का खर्चा सब मैं दूंगा, अगर तुम ये बच्चों का नंबर रजिस्टर में बदल दो तो। ओके? मुस्करा के बोले, लड़का हुआ है। लड़का? नर्स तो कह रही थी कि लड़की हुई है। नर्स का दिमाग खराब है, लड़का हुआ है। लड़की भी तो लक्ष्मी का ही रूप होती है। आएगी लक्ष्मी, लड़की जब आती है तो सारा ले जाती है माल पैसा जायज की जगह में। तो ना मुझे दे दो मेरे बच्चे को, मेरा बेटा। आपको बेटी हुई है? हाँ हाँ, आपको बेटी पैदा हुई है, नंबर 108। ये बच्चा कहाँ से ले आए तुम? मेरा बेटा ले आओ। ये आप ही की बेटी है? नहीं, ये मिस्टर दलाल मेरे को बोला लंदन का सारा खर्चा दे देंगे, अगर इन्होंने खर्चा नहीं तो मैं सबको बोल दूंगी। बहुत ये बोलो, अगर ये नहीं देगा तो अपन देगा। कॉफी वॉफी पिलाओ यार इसको। शक्कर कितनी? और शक्कर कितनी नहीं यार, तुम भी खबर खाती हो, तुम्हें इतना मालूम नहीं? आजकल लड़कियां शक्कर का ख्याल रखती है, शक्कर से नहीं सक्करीन से पीती है। शक्कर इंसान को मोटा कर देती है, खासकर लड़कियों को। और जब तक ये कॉफी पीती है, तुम जाकर के टिकट का बंदोबस्त करो। तुम ये पियो, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ, आराम से चली जाना। क्या बात है? मेरा बच्चा बदल दिया है। डोंट बी सिली।
नहीं जरूर कोई गलती हुई है। नर्स ऐसा करो इंटर पहुंचो, हमारा बेटा वहाँ होगा। नहीं सर, इसके अलावा वहाँ कोई बच्चा नहीं है। क्या क्या पक्की हो? जरूर कोई गलती है, मैं अभी जाकर देख के आता हूँ। एक ये क्या हरकत है? मेरे बेटे को बदलकर वहाँ पर एक लड़की रख दी। चांदनी मेरी बीवी दिल की मरी ना। चिल्लाइए मत इंस्पेक्टर कपिल, ये हॉस्पिटल है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं। कहाँ हो तू दिनेश? इसने जरूर अपनी जान ली होगी। इंस्पेक्टर कपिल, ये अपने बॉयफ्रेंड का लेटर पढ़कर बड़ी परेशान थी। इट इज डेफिनेटली केस ऑफ सुसाइड, मर्डर भी हो सकता है। इंस्पेक्टर कपिल, आप हमेशा शक के बिना पर मुझे मुजरिम ठहराने की कोशिश करते रहते हैं और मैं सच निकलता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। कहाँ है हमारा बेटा? मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। इन अस्पताल वालों ने कुछ उसे कुछ हो गया? नहीं नहीं, तू वो बीमार पड़ गया? नहीं देवी, नहीं नहीं। ले आई अनु से, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुम समझती क्यों नहीं देवी? इस सारे अस्पताल में उस बेनाम बच्ची के अलावा और कोई नहीं है। क्या? हाँ, रजिस्टर में भी उन्होंने लिखवा दिया कि हमें बैठी हुई थी। किसने लिख दिया? अस्पताल वालों ने। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं केस कर दूंगा, टिकस्टर को हथकड़ी पहना दूंगा। लेकिन उससे मेरा बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, मैं कानून के जरिए। इन लोगों ने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वादा कीजिए आप मेरे बेटे को वापस लाएंगे, वादा कीजिए। देवी, देवी, डॉक्टर देखो क्या हो गया। इस बात का क्या सबूत है कि आपकी पत्नी को लड़का ही पैदा हुआ था? इसका सबूत वो नर्स थी जिसने मेरे बेटे की पैदाइश की खबर मुझे दी। अचानक उस नर्स ने खुदकुशी कर ली। मेरा ख्याल है कि उसे मार दिया गया ताकि इस मुकदमे का कोई भी गवाह ना रहे। उस नर्स के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत को दी जा चुकी है मिलोर्ड। ये सरासर झूठ है मिलोर्ड, क्योंकि अस्पताल के चेयरमैन मिस्टर डिकॉसा कुछ भी कर सकते हैं। यह झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी सर। इंस्पेक्टर खन्ना, आपको अपने केस का कोई ना कोई गवाह पेश करना होगा और इस मुकदमे का फैसला होने तक इस बच्ची को आप अपने पास रखें। नहीं मिलोर्ड, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए, इंसाफ के नाम पे तसल्ली नहीं। ऐसी सूरत में अदालत बच्ची को किसी भी ऐसे आदमी के सुपुर्द कर सकती है जो मुकदमे का फैसला होने तक बच्ची की परवरिश करे। मैं साहब, मैं पालूंगी इसे। ठीक है, अदालत बच्ची की परवरिश के लिए 500 रुपए महाना मुकर्रर करती है, जो इंस्पेक्टर खन्ना अदा करते रहे। पर साहब, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और अदालत महात्मा पुलिस को हिदायत करती है कि जेडी हॉस्पिटल की पूरी छानबीन करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। इंस्पेक्टर, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मिस्टर डिकॉस्टर, शायद आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स ने नकली डिग्रीज हासिल करके डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू की और मरीजों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। उन नकली डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आप भी हैं। What is this nonsense? चार आप, तुम उस अस्पताल के मालिक हो जहां नकली दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां मरीजों के साथ लापरवाही की जाती है, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से अच्छे अच्छे डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं। ये झूठ है, गलत है। ये अखबार वाले मुझसे पैसा मांगते हैं और जब मैं उन्हें पैसा नहीं देता तो ये बकवास मेरे खिलाफ छाप देते हैं। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। आप ये साबित नहीं कर सकते। मैं साबित कर सकता हूँ। इट इज इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। लिसन डिकॉस्टा,
इस वक्त आपके ऑफिस में तलाशी ली जा रही है। मिस्टर डिकाशा के मकान का और ऑफिस का एक एक कोना छान मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? आप जा सकते हैं। Your file. मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर कपिल आजम खान से मिलने गया है, उससे मदद मांगने के लिए, ताकि वो हमारे खिलाफ सबूत पैदा कर सके। दलाल जूता वाला, आजम खान जेल के अंदर है। खुशामदीद कपिल खन्ना। आजम खान, मगर तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है। हरकत नहीं यार, आदत कहो। इसी आदत को सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ जेल में भेजा है, लेकिन आज मैं एक जरूरी काम था। हुक्म दो यार, जान चाहिए। जान? सबूत? डिकॉस्टा के खिलाफ कोई सबूत हाथ में नहीं आ रहा। तुमने डिकॉस्टा की कई तिजोरियां खोली होंगी। अगर तुम कानून के लिए एक बार खोल दूंगा, जिसके वजह से हमारी भाभी का जान गया, जिसने हमारे भतीजे को तुमसे अलग किया, उसको सबूत के साथ जेल करवा दूंगा। थैंक यू। तुम्हारी इस मदद के लिए सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा भी माफ कर दी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया।